नमस्कार दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी को बढ़िया बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बैंगलोर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे और सीरीज के आखिरी T20 मैच में टीम इंडिया के मैच फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर पुराने रंग में नजर आए। ऋषभ पंत की केवल मात्र एक रन पर पवेलियन लौट जाने पर टीम इंडिया भारी संभालने पर आए। धोनी ने एक एक कर कंगारू गेंदबाजों की क्लास ली और अपने मोस्ट फेवरेट शॉट्स खेले, जिसके बाद पूरे स्टेडियम में धोनी की गूंज सुनाई दे रही थी। महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर धमाकेदार पारी खेली। अपनी पारी में धोनी ने 173 की स्ट्राइक रेट से 3 छक्के और 3 चौके की मदद से 23 गेंदों में 40 रनों की अहम पारी खेली। वही इस दौरान एक गेंद धोनी के स्टंप उखाड़ने की हिम्मत करने लगी और धोनी ने कंगारू को भी दिखा दिया स्टंपिंग के पीछे और स्टंपिंग के आगे वही बाप है। वह यूं कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जंपा 12वां ओवर डालने आए। जंपा की पहली गेंद पर धोनी छोड़ा चुके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया विकेटकीपर ने उन्हें स्टंप उखाड़ने की कोशिश की और वो आउट की अपील की। वही दूसरी छोर पर कप्तान विराट कोहली भी थोड़े सोच में पड़ गए थे, लेकिन धोनी ने 2.14 सेकंड स्टिच दिखाकर कंगारू को बता दिया कि स्टंपिंग के आगे हो या पीछे, इस मामले में उनका कोई सहारा नहीं है। वही धोनी की इस लाजवाब फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर बीसीसीआई ने सभी रह नहीं गए और उन्हें इसका वीडियो भी जारी किया। इसके अलावा धोनी फैंस के इस वाक्य को सोशल मीडिया पर